डेली डोज 47 में आपका स्वागत है मेंटल रील टू पार्ट फोर में आज कुछ क्वेश्चन हूं जैसे पहला क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर इज ऑफ वाटर क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है फ्रीज होने लगता है यानी कि बर्फ जमने लग जाता है ठीक है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिग्री फरने में टू होता है 212 देखिए ध्यान से फरने हाइट में है तो 2, 212 होगा अगर सेल्सियस में होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है हुँ. अब इसमें देखिए कुछ फार्मूला मैं लिख लियाँ इसको देखिए ध्यान से आगे यूज होगा जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को फर्ने में चेंज करना है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस को फर्ने में चेंज करना फर्ने हाइट में चेंज करना तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस की जगह में हंड्रेड रखेंगे हंड्रेड इंटू नाइन बाई फाइव प्लस थर्टी टू फाइव टू ये टेन 180 हंड्रेड एट्टी प्लस थर्टी टू करेंगे टू टू हंड्रेड कितना हो गया 212 डिग्री फर्ने ये हो गया इसका आंसर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फर्ने हाइट स्के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन यह फर्ने हाइट है ठीक है तो अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे डाइट तो भी हम इससे भी चेंज कर सकते हैं या फिर डाइट याद है तो आप लिख सकते हो तो हम इसको चेंज करके दिखाते हैं आपको फर्ने हाइट में कैसे चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस है सेम जैसे देखिए जीरो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है जीरो तो जीरो प्लस इंटू नाइन बाई फाइव प्लस थर्टी टू तो ये तो जीरो हो जाएगा जीरो प्लस थ्री थर्टी टू यानी कि थर्टी टू हो जाएगा इसका आंसर थर्टी टू डिग्री फर्नी हाइट क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्वेश्चन फाइव द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए healthy ह्यूमन बॉडी देखिए नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है डिग्री सेल्सियस में और Fahrenheit dono हाँ दोनों में लिखना आपको तो डिग्री सेल्सियस में कितना है 37 degree डिग्री सेल्सियस इसको याद रखेंगे 37 सेवन डिग्री सेल्सियस और फर्ने हाँ में कितना 98.6. 98.6 98. थोड़ा क्लीन करके यहाँ लिख देते हैं फर्ने हाँ हाँ हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव तक कंप्लीट होगी क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल देखिए इसका ही यूज करना है फर्ने में हाँ है तो ये वाला यूज होगा सेल्सियस में चेंज करना ठीक है फर्निया वन हंड्रेड थर्टीन वन हंड्रेड थर्टीन माइनस थर्टी टू इंटू फाइव बाई नाइन वन हंड्रेड थर्टीन में थर्टी टू घटाते हैं एट्टी वन इंटू फाइव बाई नाइन 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 जी एट्टी वन फोर्टी फाइव हो गया इसका आंसर फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस हो गया ये वैसे ही फिफ्टी डिग्री को चेंज करना क्वेश्चन नंबर बी फिफ्टी डिग्री फर्न को चेंज करना डिग्री सेल्सियस में तो फिफ्टी टू फिफ्टी माइनस थर्टी टू इंटू फाइव बाई नाइन टेन डिग्री सेल्सियस योग टेन डिग्री सेल्सियस इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्ने स्केल ठीक है डिग्री सेल्सियस में तो फर्ने स्केल में कैसे चेंज करते हैं ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें ठीक है जैसे देखिए फोर्टी डिग्री सेल्सियस है तो फोर्टी इंटू नाइन बाय फाइव प्लस थर्टी टू सेवेंटी टू प्लस थर्टी टू वन हंड्रेड फोर डिग्री फर्ने ठीक है सेवन का बी सेवेंटी फाइव डिग्री को चेंज करना डिग्री सेल्सियस को चेंज करना सेवनटी फाइव इंटू नाइन बाय फाइव प्लस थर्टी टू थर्टी फाइव प्लस थर्टी टू वन सिक्सटी सेवन वन सिक्सटी सेवन डिग्री फॉर्नी ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन तक का आंसर क्वेश्चन नंबर एट ए डॉक्टर यूजेस ए डैश थर्मोमीटर जो डॉक्टर यूज करते हैं ना उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं क्लिनिकल क्वेश्चन नंबर नाइन स्केल ऑन द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम फॉर्ने हाइट डे फॉर्ने हाइट टू डे फॉर्नेट नाइन्टी फोर फॉर टू हंड एट फॉर्ने हाइट ठीक है और डिग्री सेल्सियस में थर्टी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन ए पेशेंट विद फीवर विल हैव ए बॉडी टेम्परेचर एब डेस डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उसको जो है हम लोग फीवर मानेंगे कि हाँ उसको फीवर है इसी के साथ डेली डोज डे फोर्टी सेवन कम्प्लीट हो चुका है चलिए कुछ वर्क लेते हैं पहले जूनियर के लिए नंबर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सीनियर के लिए स्क्रीन शॉट ले लें इसका तो ऐसे ही मैथ्स के लिए बने रहे चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू